हेलो, मजे का जोन बनाने नमस्ते अंकिल आ गए जी। वेलकम का बाउवा बा 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 बाउवा। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अरे मतलब भाई, कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या आप काम से है? एक मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है भाई। मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, एक मिनट दे दो बारिश के वजह से। सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे, तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात। यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे। कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है, मजा आया ना सुनिए। तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है। एगी भाई साहब सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था, जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना छीछी बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। मैं तू जो मर, सुनिए सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सलूशन है मेरे पास। दे, जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं, भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें, ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब। ऑन अ लाफिंग नोट, आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, जानने के लिए डाउनलोड करो रेड एफ एम इंडिया ऐप या फिर लॉग ऑन करो redfmindia.in पर। बजाते रहो, बजाते रहो।